ख्यात कथावाचक जया किशोरी जी करनाल में पहुंच चुकी है श्रीमद् भगवत गीता का शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। जया किशोरी जी यहाँ पे पहुंचे, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुरुआत की जा रही है, कान्हा जी का तिलक करके यहाँ पे जो है शुरुआत हो चुकी है। करनाल वाले यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत ही बड़ा समारोह ये होने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता साप्ताहिक ये जो है कथा चलने वाली है सेक्टर 12 में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जया किशोरी जी जो है विश्व विख्यात कथावाचक आध्यात्मिक कथावाचक यहाँ पे पहुंची हुई। भारत वो प्राचीन देश है जिसका गूढ़ इतिहास और संस्कृति का प्रचलन विदेशों तक है, और उसी के चलते श्रीमद् भगवद गीता की जब बात आती है तो एक मनुष्य को अपनी जिंदगी की राह कैसे चुननी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, जब वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तब तो उस किताब में वो गूढ़ हल लिखा हुआ है कि कैसे कोई इंसान एक सार्थक तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकता है। और वही श्रीमद् भगवद गीता का इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि आयोजन करनाल में किया जा रहा है, जहाँ पे स्वयं जया किशोरी पहुंचने वाली है। और 3 से 6 रोजाना, आज 30 अक्टूबर है और 5 नवंबर तक ये श्रीमद् भगवद गीता जो है चलेगी। साप्ताहिक कथा ये होने वाली है जहाँ पे जया किशोरी जी जानी मानी कथावाचक जो है प्रदेश विख्यात वो हैं, और वो यहाँ पे जो है आमजन के बीच में करनाल वासियों के बीच में पहुंचने वाली है। श्री खाटू श्याम कीर्तन मंडल करनाल की तरफ से ये आयोजन कराया जा रहा है। 5 दिन लगातार आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को सुन सकते हैं, जो उसके उपदेश हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी जिंदगी के लिए एक नया मकसद पा सकते हैं, एक नई आशा की किरण आप लोगों को अपनी जिंदगी में मिल सकती है, वो भी स्वयं विख्यात कथावाचक जया किशोरी जी के मुख से, जो कि जल्द ही यहाँ पे पहुंचने वाली है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सेक्टर 12 में ये कथा का आयोजन किया गया है और 30 अक्टूबर यानी कि आज के दिन पहला दिन होने वाला है। महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं, तो आप यहाँ पे कथा सुनने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, जब शुरू होगी तब बाकी पूछ लेना। तो पहले कभी पता आपको, मतलब वैसे पढ़ी है आपने श्रीमद् भगवद गीता? पढ़ी है, लेकिन इस बार जया किशोरी जी के मुख से सुनने वाले हैं, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही एक्साइटेड है, इसलिए तो काम कुछ छोड़ कर आया। अच्छा, टीवी में देखा है जया किशोरी जी को? हाँ, बहुत बार देखा है। देखते हैं आप? हमने असली में देखा था। कहाँ देखा था? सात सेक्टर में आए थे। अच्छा, वहाँ पर देखा था। देखने के लिए पहुँचे हैं। हाँ जी, कैसी लगती है उनकी कथा करने का जो एक तरीका है वो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, अट्रैक्टिव है, मनमोहक है, रियलिटी शो करती है। अच्छा, मुझे लगता है आप लेडीज तो डेली पूरे वीक के लिए यहीं पहुंचने वाली हैं शाम को? हाँ बिल्कुल, श्योर एंड सर्टेन। बच्चों को नहीं लाए? बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है। आउट ऑफ स्टेशन, चले। तो मतलब लेडीज में एक्साइटमेंट यहाँ पे जरूर बनी हुई है, और अंदर आप देख सकते हैं डेकोरेशन इतनी ज्यादा खूबसूरत की गई है, और काफी बड़ा ये जो है समारोह यहाँ पे किया जा रहा है। काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचने वाले, मुझे लगता है करनाल आसपास के इलाकों से सभी जगह से यहाँ पे लोग पहुंचेंगे। किस तरीके से बाहर भी पूरा जो है भीड़ भाड़ इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। साप्ताहिक कथा ये होने वाली है, 7 दिन तक लगातार आप लोग भी पहुंच सकते हैं, और प्रदेशों तक विख्यात कथावाचक हमारे बीच में होने वाले। किस तरीके से लोगों का आते हुए तिलक के साथ यहाँ पे जो है वेलकम किया जा रहा है, और भी लेडीज यहाँ पे पहुंची है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कथा सुनने आए हैं आप? हाँ जी, हम कथा सुनने आए। तो अभी आप इतनी जल्दी जा क्यों रहे हैं? लेट हो रहा है घर पे, अभी शुरू भी नहीं होती, लेकिन टाइम। लेकिन जया किशोरी जी आने वाले हैं। जी हाँ जी, देखा है पहले कभी उनको? हाँ जी, बहुत सुना भी है, अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगता है। एक्साइटेड है? हाँ जी, बहुत अच्छा। और आप तो बच्चों को भी लेकर आए हैं? हाँ जी हाँ जी, इसे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन फर्स्ट डे की वजह से मिस हो रहा है कि टाइम नहीं परफॉर्म हो रहा है। और भी मैं देख सकती हूँ कि बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे पहुंचे, तो कैसा लग रहा है, मतलब स्पेशल टाइम निकाल के आप लोग श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए पहुंचे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कर रहे हैं उनकी आवाज बहुत प्यारी है, सत्संग बहुत अच्छा करते हैं। तो आपने पहले जया किशोरी जी को देखा है कभी? नहीं, कभी फोन पे पहली बार देखने आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, पर भगवद गीता तो पढ़ी होगी? सुनी है, सुनी है पहले, तो पहली बार ना पूरी सुनने वाले हैं। डेली आएंगे जो इनकी कृपा हुई, तो कृपा बुलाएंगे। हाँ, आप भी सुनने के लिए आए हो? बोलो। हाँ जी, हम भी सुनने के लिए आए। अच्छा, हाँ जी, आपको पता जया किशोरी जी कौन है? हाँ जी, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत बहुत अच्छे संत हैं। हाँ, एक्साइटेड हो? डेली आओगे? दादी है ना, दादी के साथ आओगे डेली? हाँ जी, हम हो जाएंगे, हम हर हो जाएंगे। मतलब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पहुंचे, तो जैसे मैं बता रही थी जो युवा पीढ़ी है उनको नहीं पता कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो कितना गहरा है, जैसे मैं बोल रही थी विदेशों तक प्रचलन है, हम जो यहाँ पे ट्रेंड इतने सालों से बनाते आ रहे, और भी लेडीज यहाँ पे, तो कथा सुनने के लिए
पहुँचे यहाँ पे। हाँ जी, तो कितने एक्साइटेड है जया किशोरी जी आने वाले? बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, भगवत गीता तो पहले पढ़ी होगी कि पहली बार सुनने वाले हैं? नहीं, पहले भी सुनी है। पहले सुनी हुई है, लेकिन जया किशोरी जी के मुंह से सुनी है कभी? टीवी पे सुनते हैं। टीवी पे अभी लाइव सुनेंगे? हाँ जी। आप बताइए कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। टीवी पे सुनी है पर बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आयोजन होने चाहिए जहाँ पे जो आने वाली जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं अपने कल्चर के बारे में, हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में नॉलेज मिले। जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं पूरे परिवार को यहाँ पे पहुँचना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए। तो आप पूरे सप्ताह आने वाले हैं? आप लोग अब कोशिश करेंगे। तो सब लोगों की कोशिश है कि वो पूरे सप्ताह आए और कथा का आनंद यहाँ पे उठाए। और भी लेडीज पहुंची हुई है तो कथा सुनने के लिए आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ हाँ हाँ, कथा सुनने आए हैं। जया किशोरी जी के फैन हैं आप लोग? यस, बहुत बड़े फैन हैं। अभी तक टीवी पे ही देखा था? टीवी पे देखा था। आज लाइव देखेंगे? आज लाइव देखेंगे। बड़ा सौभाग्य है हमारा। सौभाग्य है, बिल्कुल। तो वो अंदर ऐसे फील हो रहा है कि कैसी लगेंगी जब सामने से बैठ के देखेंगे? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। त्योहारों के दिनों में ही आना था, लेकिन त्योहारों में चार चांद चार चांद लगे। आप बताइए जया किशोरी जी के आने से त्योहारों में चार चांद लग गए? बिल्कुल, बहुत खुश है। बिल्कुल एक्साइटमेंट पूरी जो है बरकरार है। अच्छा, वैसे भगवत गीता अच्छी लगती है? वैसे पढ़ी हुई है आपने? आपको लगता है कि वाकई जिंदगी जीने की जो सही राह है वो भगवत गीता सिखाती है? बिल्कुल बिल्कुल, सहमत है। सहमत है। बस सब लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और किस तरीके से और भी मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं तिलक के साथ, उनका स्वागत किया। और भी लोग हैं तो मैम कथा सुनने के लिए पहुँच गए यहाँ पे आप, तो कितनी एक्साइटेड है? पहले तो बताइए जया किशोरी जी आने वाली है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। कभी देखा है? पहले मिली है जया किशोरी जी से? बस टाइम है तो सारी फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ नहीं आना चाहिए था फिर तो? सब आएंगे धीरे धीरे, पूरा मतलब भर जाएगा ये जितना भी है, पूरा प्यार दिखाएंगे करनाल वाले जया किशोरी जी को। मतलब करनाल वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखो अभी सेक्टर 12 करनाल में तो काइंड ऑफ मेला लगा हुआ है, जया किशोरी जी आने वाली है, श्रीमद भगवत गीता का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है श्री खाटू श्याम कीर्तन मंडल करनाल की तरफ से, और पूरा करनाल यहाँ पे पहुंचेगा, सब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। 3 से 6 बजे रोजाना साप्ताहिक कथा होगी तो जाहिर सी बात है भूख भी लगेगी, तो कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जैसे मैं बोल रही थी ना पूरा मेला यहाँ पे लगा हुआ है, तो मतलब टिक्की गोलगप्पे गुलाब जामुन, मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है देख देख के, तो वो सब कुछ यहाँ पे लग चुका है। तो आप लोगों को इस आयोजन में यहाँ पे शिरकत करने का इस मौके को गवाना नहीं है। तो श्रीमद भगवत गीता सुनने को मिलेगी यहाँ पे आपको, आइसक्रीम वाले सब लोग मिलेंगे, तो मतलब एक तो इस मौके को आपको गवाना नहीं है। श्रीमद भगवत गीता में आखिर क्या ऐसा अलग है, क्यों उसका प्रचलन विदेशों तक है, वो आपको जानने का मौका मिलेगा, और वो भी खुद पढ़ के या सुन के नहीं, जया किशोरी जी सबके बीच में होंगी, करनाल में पहुंचेंगी और उनके मुख से स्वयं आप लोग सुनेंगे श्रीमद भगवत गीता का जो गहरा इतिहास है उसमें क्या कुछ खास है वो सब आप लोग सुनेंगे। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पहुँचना है, और डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दूर दूर से लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचने शुरू हो चुके हैं, महिलाएँ पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं, और कुछ ही देर में जया किशोरी जी भी सबके बीच में होने वाले, तो लोग कितने एक्साइटेड हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी नज़र आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप लोग भी कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं जी? तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? अच्छा, अभी देखो आप यंग जनरेशन हो, पता है कुछ श्रीमद भगवद गीता कभी सुनी है या पढ़ी है? फर्स्ट टाइम। और ऊपर से जया किशोरी जी के बारे में पता होगा? जानते हो, देखा है कभी? आई हूँ। उन्हीं के लिए आए हो? देखो मतलब उन्हीं के लिए यहाँ पे जो है आज की यंग जनरेशन भी पहुंची हुई है, तो कहीं ना कहीं जो मकसद है ना भगवत गीता का आयोजन कराने का वो यहाँ पे सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न्यू जनरेशन भी यहाँ पहुंच चुकी है, किस तरीके से लेडीज आई हुई हैं और सबका तिलक करके उनको जो है अंदर की तरफ प्रस्थान कराया जा रहा है, उनका वेलकम यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ और लेडीज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग इस कथा के लिए? कितने एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तभी आप सब लोग इकट्ठे होके पहुंचे हैं यहाँ। सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस पार्ट के लिए है? किसी को देखने के लिए? नहीं नहीं, हम तो कथा सुनने के लिए, हम तो सिर्फ कथा सुनने के लिए एक्साइटेड। उनको तो हम वैसे भी टीवी में देख लेते हैं, लेकिन लाइव देखेंगे ना? आप लाइव देखेंगे तो कथा ज्यादा। तो रोज आएंगे, सातों दिन आने वाले? कोशिश करेंगे। श्याम बाबा हमें मिलाए, हम सातों दिन आएंगे। विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी जी करनाल में पहुंच चुकी है श्रीमद भगवत गीता का, और शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। जया किशोरी जी यहाँ पे पहुंचे, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुरुआत की जा रही है कान्हा जी का तिलक करके, यहाँ पे जो है शुरुआत हो चुकी है, करनाल वाले यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत ही
आयोजक यहाँ पे पहुँची हुई विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी करनाल में पहुँच चुकी है। श्रीमद भगवत गीता का जो आयोजन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सभी करनाल वाले यहाँ पे पहुंचे नजर आ रहे हैं। सजावट बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साप्ताहिक कथाएं होने वाली है और सातों दिन आपके बीच में होने वाली है। विश्व विख्यात प्रवक्ता जया किशोरी जी जो की इस वक्त करनाल में पहुंची हुई नजर भी आ रही है और आप देख सकते हैं कि दूर दूर से यहाँ पे सभी लोग पहुंचे हुए हैं। दूर दूर से सभी श्रद्धालु यहाँ पे उमड़े हुए हैं। 3 से 6 इस कथा का आयोजन होने वाला है। श्री खाटू श्याम कीर्तन मंडल करनाल की तरफ से आयोजित की गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग पहुंचे हुए हैं। जया किशोरी जी यहाँ पे पहुंची हुई है और कुछ ही देर में यहाँ पे श्रीमद भगवत गीता की जो शुरुआत है वो यहाँ पे होने वाले। किस तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने जो बाल गोपाल का रूप है उसका तिलक किया और उसके बाद जो है वो अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। उन्होंने अपना स्थान जरूर यहाँ पे ले लिया। सभी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सब जितने भी श्री खाटू श्याम कीर्तन मंडल करनाल के सदस्य हैं वो सब यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सभी आयोजक यहाँ पर है। पीछे दूर दूर तक जहाँ तक भी नजर पड़ती है सभी श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं और स्टेज पर मौजूद है विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी, जिनको आप सब लोग देख सकते हैं और किस तरीके से कथा जो है कुछ ही देर में शुरू यहाँ पे होने वाली है।